खबर का जो राजधानी रायपुर से मिल रही है, कोरोना मरीजों की संख्या में छत्तीसगढ़ में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरबा में 6 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और राज्य में कुल 21 कोरोना संक्रमित एक्टिव केस पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 31 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर वापस घर भी लौट चुके हैं। कोरबा में अब तक 22 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गई है। सुप्रिया, कुछ समय तक छत्तीसगढ़ के लिए राहत मानी जा रही थी, पर जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को भी अब चिंता में डाल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वो उससे छत्तीसगढ़ जो है चिंतित है, छत्तीसगढ़ सरकार चिंतित है, क्योंकि कटघोरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का जो सिलसिला है वो थमता दिखाई नहीं दे रहा है। स्थिति ये है कि कल जो है 6 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि शनिवार रात को 7 नए मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई थी। बता दें कि बीते 9 दिनों में अकेले कटघोरा के पुरानी बस्ती से ही 22 केस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग शासन प्रशासन की नींद भी उड़ा दी है, क्योंकि प्रदेश में अब तक 31 पॉजिटिव मिले हैं जिसमें से 10 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कटघोरा में मिले पॉजिटिव मरीजों में 16 पुरुष है। स्पष्ट है कि ये पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने में रहे हैं, जैसे मस्जिद नमाज के दौरान या दावत के दौरान, जनाजे के वक्त। कटघोरा में अब तक 400 से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं। उधर सरकार ने स्वास्थ्य सचिव से संपूर्ण रिपोर्ट तलब की है। वहीं कटघोरा में मामले में केंद्र ने भी राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। सुप्रिया, जो अभी पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनकी कुछ हिस्ट्री अभी तक निकल कर सामने आई है? पॉजिटिव मरीज जो मिले हैं वो यही कहा जा रहा है कि जो मरीज है, जो एक नाबालिग था वो कोरोना से संक्रमित था और वो जो था वो तबलीगी जमात से संबंधित था, तो इस तरह से उनके ही संपर्क में आए हैं सभी लोग। और ऐसा भी सूत्रों के अनुसार ऐसी जानकारी भी आ रही है कि उसने 80 लोगों के संपर्क में, मतलब उसने 80 लोगों के साथ मेल जोल किया है, तो जो केस है वो अभी और भी बढ़ने के जो आसार है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते 24 घंटों में 22-7 और कल माफ कीजिएगा जी, कल 6 नए मामले सामने आए और फिर उसके बाद परसों 7 मामले, तो इस तरह से मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो और भी मामले हैं वो सामने आने के जो आसार है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते 24 घंटों में 13 मामले जो है वो एक साथ आए हैं, तो इस तरह से जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ये दावा कर रही थी कि जो 10 में से 9 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ जो है वो टॉप 10 राज्यों के लिस्ट में शुमार हो चुका है। इस टाइप से जो है वो सरकार दावा भी कर रही थी और ऐसे कयास भी लगा रहे थे कि अब छत्तीसगढ़ में कोई भी केस नहीं आएगा, लेकिन अचानक से इस तरह से कटघोरा से नए मरीज निकल कर सामने आना, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार भी सख्त हो चुकी है और कटघोरा के पूरे इलाकों को जो है वो सील कर दिया गया है। लगातार वहाँ पर जवान तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था के काफी इंतजाम है, वहाँ पर कोई निकल नहीं रहा है। और अगर जरूरी सामान है जैसे कि दूध है या फिर राशन है तो इसे होम डिलीवरी किया जाता है, उन्हें निकलने की हिदायत नहीं दी जाती और जो निकलता है उन पर कड़ी कार्रवाई होती है। चलिए शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश